नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। झांसी में सामाजिक संस्था नव जागृति कला समिति ने रात्रि के समय फुटपाथों पर सो रहे असहाय लोगों को कंबल ओढ़ाए और गरम गरम भोजन कराया। नव जागृति कला समिति संस्थापक मोहनलाल सुमन ने अपनी टीम के सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ, जिसमें मोहनलाल सुमन की पत्नी संगीता सुनील कुमार वर्मा, मनोज कुमार वर्मा और डॉक्टर श्यामलाल आर्य के साथ रात्रि में निकले, जिसमें बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के पास स्थित फुटपाथों पर सो रहे लोगों को कंबल बांटे और उन्हें भोजन कराया। हमेशा ही अपने नवाचारों से चर्चित 3 बार राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित नव जागृति मंच संस्थापक मोहनलाल सुमन प्राथमिक विद्यालय राजापुर ब्लॉक गुड़सराय जनपद झांसी में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और हमेशा ही अपनी संस्था नव जागृति कला समिति के द्वारा असहाय लोगों की मदद के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा मलिन बस्तियों के बच्चों में टैलेंट खोजते रहते हैं।